सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरुण के व्लॉग्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम है हमारे इस नए एपिसोड में। सो गाइस, इस वक्त सबसे ज्यादा जो टिकटॉकर सर्च कर रहे हैं वो यही सर्च कर रहे हैं कि क्या टिकटॉक ऐप वापस आएगा नहीं और अगर आएगा तो ये कब तक आएगा, किस वजह से आएगा और इसके वापस आने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या टिकटॉक ऐप वापस आएगा और अगर आएगा तो किन रीजन से वो आ सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि टिकटॉक वापस आएगा। लेट्स गो। सो गाइस, टिकटॉक वापस आएगा या नहीं आएगा ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है अभी सभी के लिए, क्योंकि खास तौर पे जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे टिकटॉक पे उनके लिए तो यहाँ पे बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है तो देश हित के लिए वैसे देखा जाए तो सभी जने खड़े हो चुके हैं एक साथ कि हाँ, देश हित के लिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे बात जो है वो ये है कि टिकटॉक को बैन क्यों किया गया, यानी कि इन 59 जो चाइनीज ऐप्स को जो बैन किया गया है ये आखिर किया क्यों गया। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। किया इसलिए क्या, क्योंकि जो इंडियन इंटेलिजेंसीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जितनी भी चाइनीज ऐप्स थी ये सारा जो भी डाटा है ये कहीं और भेज रही थी, अगर मैं कहूँ तो चाइना में भेज रही थी, ऐसा इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग कहना है। और सबसे ज्यादा उसमें अगर बात आ रही थी तो वो आ रही थी टिकटॉक और यूसी ब्राउजर, क्योंकि ये दो ऐप्स ऐसी हैं जिनके बारे में ज्यादा बातें हो रही थी कि ये हमारे देश का डाटा चोरी करके बाहर भेज रहे। हालांकि अगर टिकटॉक के सीईओ की बात मानी जाए तो उनका तो कहना यही है, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा डाटा वहां पर नहीं गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं ये तो पूरा देश ही जानता है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। साथ ही साथ टिकटॉक इंडिया का ये भी कहना है कि हम लोग भारत सरकार से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं इस मामले को लेके, कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और हम लोग एक पॉजिटिव न्यूज के साथ में जल्दी वापस आएंगे। क्या हलवा है। हालांकि वो इसलिए शायद ये कह पा रहे हैं क्योंकि पहले भी टिकटॉक ऐप को बैन किया जा चुका है, तब भी टिकटॉक ऐप वापस आ गया, तो इस बार जो है वो कंडीशन बहुत अलग है क्योंकि पिछली बार वो इंडिविजुअली उसे बैन किया गया था, लेकिन इस बार 59 ऐप्स एक साथ बैन हुई हैं इंडिया से। सो यहाँ पे इस बारे में कहना कि वो वापस आएगा इसके चांसेस कितने हैं ये आप और आगे देखिए कि हम बताते हैं कि क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, किस बेस पे वापस आ सकता है। फिलहाल जो कंडीशन चल रही है वो चल रही है चाइना के साथ में, हमारे भारत के रिलेशन काफी अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत ज्यादा बिगड़े हुए चल रहे हैं, लेकिन क्या अगर इंडिया के चाइना से रिलेशन सुधर जाएंगे तो क्या ये ऐप वापस आ सकती है। No, God, please, no, no! इस पे भी कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि पहले हमारे पाकिस्तान से जब रिलेशन बीच में बहुत ज्यादा खराब हो गए थे तो हमने सारे उनसे ट्रेड्स बंद कर दिए थे, लेकिन फिर थोड़े बहुत रिलेशन सुधरने के बाद में वो ट्रेड्स वापस से चालू हो गए थे, लेकिन इस बार ये होता है कि नहीं ये तो भगवान ही जाने। सो गाइस, अगर टिकटॉक वापस आ गया तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, क्या आपका रिएक्शन ऐसा होगा या फिर आपका रिएक्शन ऐसा होगा। सो ये तो हर किसी के रिएक्शन डिपेंड करता है क्योंकि किसी के रिएक्शन आने का रीजन यही है कि किसी के जब बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे और उसके फॉलोअर्स एकदम से छीन लिए जाए यानी कि बिल्कुल जीरो कर दिए जाए तो जाहिर सी बात है उसका भी कुछ इसी तरह का हाल होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात कहने की ये भी है कि टिकटॉक पे जितना क्रिंज कंटेंट हमने देखा है उतना शायद ही हमने हमारी पूरी जिंदगी में कभी देखा होगा लाइव या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर। हालांकि वहां पर अगर कुछ टैलेंटेड लोगों को छोड़ के अगर बात की जाए तो कुछ लोग ऐसा करके फेमस हो गए और कुछ लोग ऐसा करके भी फेमस हो गए। सो गाइस, यहाँ पे अगर बात की जाए कि टिकटॉक के अल्टरनेटिव्स की तो यहाँ पे वैसे मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन बात करूँ तो टिकटॉक का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि 15 सेकंड के लिए जिंदगी बर्बाद करने कौन जाएगा और किसे जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो आज इंडिया में काफी सारी वैसे ऐप्स आ चुकी, कुछ ऐप्स वाकई बहुत अच्छी हैं पूरे भारत देश के लिए वैसे देखा जाए तो ये काफी खुशी की बात भी है क्योंकि टिकटॉक जैसी ऐप बैन हो चुकी है और उन लोगों का मोदी जी से यही कहना है। सो गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका क्या सोचना है, क्या टिकटॉक को वापस आना चाहिए या नहीं। नहीं। सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा आगे आने वाले इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए। सो तब तक के लिए दिस इज तरुण पुरोहित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।